भैया मेरे क्लास में मॉनिटर चुना गया है, क्या तुम्हारे क्लास में भी चुना गया है? हाँ, हमारे क्लास में भी चुन लिया गया। क्या बात हो रही है भाई? अम्मा बाबा कब आएंगे? बेटा तुम तो जानते हो कि तुम्हारे बाबा इस गांव के प्रधान हैं, बहुत जिम्मेदारी है उनके ऊपर। अभी आते होंगे, कहीं काम से गए होंगे। लो बाबा जी आ गए, अब इन्हीं से पूछ लो जो कुछ पूछना है तुम लोगों को। बाबा ये पंचायत क्या होती है और ये क्या करती है? अरे बेटा पंचायत गांव की सरकार होती है। सरकार जैसे तीन काम करती है, कानून बनाती है, कानून का पालन कराती है और कानून का पालन न करने वालों को दंड दिलाती है। बाबा उसी प्रकार गांव पंचायत भी ये तीनों काम करती है बेटा। गांव में इस देश की बहुत बड़ी जनता गांव में रहती है, बाबा। उसकी व्यवस्था पंचायत करती है। सदियों से बहुत जमाने से गांव में पंचायतें थी। अच्छा बाबा। पहले पांच चुने हुए पंच पंच परमेश्वर कहे जाते थे। बाबा परमेश्वर तो भगवान को कहते, क्या क्या पंच भगवान होते हैं? बेटा ये पंच भगवान जैसे ही होते, भगवान की तरह ये सारे लोगों को प्यार करते हैं, बिना किसी स्वार्थ बिना किसी पक्षपात के सबकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं और पक्षपात से रहित न्याय करते हैं। जी बाबा। ये सब प्रकार से लोगों को सुख देते हैं। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे इन पंचों में कुछ ऐसे लोग भी होने लगे जो स्वार्थी हुए। है बाबा। ये जनता की गांवों की सुविधा कम देखते थे, अपनी सुविधा का ध्यान ज्यादा देने लगे और तब इनका स्वार्थ ज्यादा बनने लगा, गांव का विकास हो गया। कुछ गांधी जी जैसे लोग हुए जिन्होंने महसूस किया कि इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए और उन्होंने ये आवाज उठाई कि गांव की आजादी निचले स्तर से हो। बाबा ये निचला स्तर क्या होता है? निचला स्तर से मतलब सबसे पहले गांव से आजादी शुरू। अच्छा जी बाबा। जब गांव से आजादी शुरू होगी तो धीरे धीरे देश आजाद होगा। उन्होंने ये कोशिश की कि अब सर इसको कानून का दर्जा पंचायत को दिया जाए। तब तो अंग्रेजों का शासन था। हाँ अंग्रेजों का शासन था, यही तो मुसीबत थी। वे हुकूमत उनके हाथ में थी, वो क्यों चाहते और वे क्यों चाहते कि इस देश का कल्याण हो। लेकिन खुदकिस्मती रही और इंतजार भी लंबा किया गया, भारत आजाद हो गया। जी बाबा। तुम लोगों ने अपनी किताब में पढ़ा होगा भारत कब आजाद हुआ। हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा तो अगर ठीक से पढ़ा तो बताओ कब आजाद हुआ? 15 अगस्त को। अरे भाई बेटा तुमने तो गड़बड़ कर दिया, 15 अगस्त तो हर साल आता है। सन बताओ, किस सन में भारत आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में। ये बात बिल्कुल ठीक है, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। फिर ये कोशिश की गई कि अब तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। संवैधानिक दर्जा क्या होता है पूछ लो, मेरा तो कल दिमाग खा गए। कानून क्या, सरकार क्या, क्या कौन काम करता है, बाबा से पूछो संवैधानिक दर्जा क्या होता है। ऐसा होता है हर देश का एक संविधान होता है। संविधान में उस देश के नियम कानून इत्यादि सब लिखे होते हैं। जी बाबा। उसी कानून और नियम के अनुसार उस देश का कामकाज चलता है। जैसे परिवार का भी एक कानून, परिवार का भी एक कानून होता है। हाँ। समाज का भी, आप लोग कक्षा में देखते होंगे क्लास का भी एक कानून होता है, स्कूल का भी एक कानून होता है, तो देश का भी एक कानून होता है। वही संविधान, उसी संविधान के आधार पर उस देश के सारे कामकाज चलते हैं। तो जब पंचायत को भी संविधान का दर्जा मिल जाए, माने संविधान में पंचायत संबंधी कानून भी जुड़ जाए, तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिल जाए। ये बात लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और लंबे समय के बाद 1992 में पंचायत संबंधी संविधान आया। इतना लंबा समय लग गया। और संविधान के 73वें संशोधन में
जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ उसमें पंचायत संबंधी संविधान आया जिसके तहत पंचायत राज कानून बना। अच्छा, तो जैसे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, केंद्र के लिए संसद का चुनाव होता है, प्रदेश के लिए ये विधानसभा का चुनाव होता है, उसी प्रकार से गांव की उन्नति के लिए ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। बाबा, इसमें हर 5 साल बाद गांव वाले ग्राम पंचायत के पंचों का चुनाव करते हैं और उन्हीं में एक सरपंच का चुनाव करते हैं, क्षेत्र समिति के सदस्यों का भी चुनाव करते हैं और फिर जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अच्छा बाबा। इस प्रकार पंचायत के स्तर पर, क्षेत्रीय समिति के स्तर पर और जिला पंचायत के स्तर पर ये गांव वाले चुनाव करते हैं। पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत इसका चुनाव करते हैं। इन पंचों को जब चुन करके लाते हैं तो ये विधान बनाते हैं जी बाबा। ये अपने काम काज शुरू करते हैं और ये जिला पंचायत बड़ा व्यापक कार्य करती है। ठीक, अब तुम लोगों को ये सूझ रहा होगा कि क्या जिला पंचायत सारे जिले का काम करती है? पूछो जी बाबा। ये तुम सोच सकते हो, तो भाई ऐसा है, जिला में कुछ नगर भी होते हैं, शहर भी होते हैं और कुछ गांव भी होते हैं। जैसे तुम लखनऊ जिले में रहते हो तो लखनऊ में लखनऊ जैसा शहर भी है और बहुत से गांव भी हैं। तो एक जिले में शहर भी हैं और गांव भी हैं। तो शहर और नगर जो हैं इनकी व्यवस्था नगर निगम करता है और गांवों की व्यवस्था जिला पंचायत करती है। ये तुम लोगों को मालूम होगा। अब जब ये चुनाव हो जाते हैं तो गांव पंचायतों की बैठकें होती हैं। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि ये जो बैठकें हैं, तुम लोगों ने शायद टीवी नहीं देखा है, तो टीवी में तुम लोगों ने देखा होगा, संसद की बैठक देखा हो। इसी प्रकार गांव पंचायतों की भी बैठकें होती, ये बैठकें कभी कभी तो पंचायत घर में हो जाती, कभी कभी स्कूल के बरामदे या स्कूल के मैदान में हो जाती, अगर नहीं जगह मिलती तो किसी पेड़ के नीचे ही हो जाती है। वहां हुई तो थी बैठक पिछली बार। इसमें पंचायत के सब पंच मिलकर गांव की समस्याओं पर विचार करते हैं, गांव की जो जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, गांव के जो जो कम उन्नतिशील काम हैं उनको अधिक उन्नत करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार ये गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं और इसको सरकार को भेज देते हैं। पहले बड़ी दिक्कतें होती थी, पहले गांव वालों को छोटे छोटे कामों के लिए सरकार का मुंह ताकना, परेशानी यहाँ और सुलझाएं वो, इतनी दूर बैठे लोग है बाबा। अब नई व्यवस्था पंचायत की जब से आ गई है तब से गांव वालों ने तुरंत अपनी व्यवस्था बनाई, पंच और सरपंच मिलकर योजना बनाकर सरकार को भेज देते हैं। अच्छा, सरकार पैसा भेज देती है और गांव में के विकास के लिए जिन जिन कामों में लगना है सब में वो पैसा लगा करके कार्य शुरू कर दिए जाते हैं जी बाबा, है ना। अब तुम लोग एक बात सोच रहे होगे कि आखिर ये पंचायतें गांव में काम कौन कौन सा करती, ये तो तुमने पूछा ही नहीं है कि ये योजना बनाते हैं तो किन किन कामों में बनाते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो ये सोचते हैं कि गांव में अगर खेती न हुई तो सब काम गड़बड़ हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो खेती की योजना बनाते हैं जी। अच्छे अच्छे बीज कहाँ से मिलेंगे, उनकी बुवाई के तरीके क्या क्या होंगे, तो ब्लॉक से या और जाने पहचाने लोग जो उस खेती के बारे में ज्ञान रखते हैं और नई नई खोज किए हैं उनको बुला करके सबके सामने लाते हैं। वो पंचों को बताते हैं कि कैसे बुवाई की जाएगी, पंच फिर और लोगों को बताते हैं और छोटी छोटी सिंचाई के साधनों की भी व्यवस्था करते हैं। अच्छा। कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा
कि गाँव से जो सड़कें जाती हैं वो बड़ी गंदी हैं या बड़ी छोटी हैं, तो उन सड़कों को भी बनवाते हैं। कुछ कुटीर उद्योग धंधों की भी व्यवस्था करते हैं ताकि उसमें लगकर लोग अपनी कमाई कर सके। कभी कभी जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी, चाहे प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से करें, चाहे वो बाल विकास के माध्यम से करें, चाहे आंगनबाड़ी के माध्यम से करें, इनकी भी व्यवस्था करते हैं। अच्छा, और स्कूलों की व्यवस्था करते हैं। और तुम लोग जानते हो कि ये सब तो करते ही हैं, साथ ही मनुष्यों की स्वास्थ्य के लिए और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी अस्पताल बनवाते हैं। इस तरह ये लोग गांव की समुचित व्यवस्था करते हैं। अब एक बात जरूर तुम लोगों के दिमाग में आ रही होगी, क्योंकि तुम्हारी अम्मा पास बैठी, तुमको ये लग रहा होगा कि बाबा तो सरपंच हैं। औरतें हो सकती हैं? पूछो जरा। बाबा, क्या औरतें पंच और सरपंच नहीं बन सकती हैं? अरे औरतें तो बिल्कुल हो सकती हैं। कल गांव पंचायत की बैठक है, आओ तुम लोग देखो, उसमें पंचायत के जो पुरुष सदस्य हैं उनके साथ महिला सदस्य भी मिलेंगे। अच्छा, अच्छा। अब तो पंचायत की नई व्यवस्था के में यह आ गया है कि एक तिहाई महिलाएं सदस्य तो जरूर होंगे। अब तो पंचायत के स्तर पर, क्षेत्र समिति के स्तर पर और जिला पंचायत के स्तर पर जितने पद हैं उन पदों में एक तिहाई पद तो महिलाओं के लिए आरक्षित है। अरे वाह, उन पर केवल महिलाएं ही खड़ी हो सकती। बाबा, आपने कहा था कि कल बैठक में जाएंगे, बैठक कैसे होती है? ऐसा होता है बेटा, कौशल्या बहन जी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। प्रधान जी, कौशल्या बहन की तबीयत खराब हो गई। अच्छा अच्छा, तो अब तो उनका इंतजार नहीं करना है, अब बैठक शुरू की जाए ना। गाँव की समस्याओं पर विचार किया जाए और जो जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए उपाय सोचे जाए। बिल्कुल ठीक है। प्रधान जी, हम सबका सुझाव है, इस बार बरसात काफी हुई है और बरसात का पानी गांव में ना भरे, इसलिए अगर गांव में एक नाला खोद दिया जाए ताकि बरसात का सारा पानी नदी में चला जाए, ये गांव की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा किया जाए, हम लोग सरकार को एक प्रस्ताव बना करके भेजें कि गांव से एक नाला नदी की ओर खुदवा दिया जाए। प्रधान जी, एक बड़ी खुशी की बात है कि गांव के स्कूल में बच्चे काफी संख्या में आ गए हैं और वो मन लगा के पढ़ भी रहे हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। बहन ने तो बड़ी बड़ी, पिछली बार हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाएं और वो मन लगा करके पढ़ें, और ये तो इन्होंने बड़ी बढ़िया खबर दे दी। अब सब बच्चे अगर इसी तरह जाकर के मन लगा के पढ़ेंगे तो हमारा गांव तो बहुत जल्दी शिक्षित हो जाएगा। प्रधान जी, गांव के अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर नहीं है, अगर इसकी कोई व्यवस्था की जाए तो हम सब महिलाओं को सुविधा हो जाए। अनु भाई, ये तो कोशिश की गई थी कि गांव में एक अस्पताल हो जाए। बिल्कुल उत्तम भाई, इस पर भी हम लोग विचार करें और एक प्रस्ताव सरकार को भेज दें है? और ये मांग करें कि पुरुष डॉक्टर के साथ हमारे गांव में इस अस्पताल में एक महिला डॉक्टर भी होनी चाहिए। ठीक प्रधान जी, मेरे विचार में कि अगर गांव की भलाई के लिए ब्लॉक से अच्छे बीज, अच्छी खाद लाई जाए। रामपाल भाई, हम और आप चलते हैं बीडीओ साहब के पास, उनसे बात के लेते हैं, अच्छे बीजों की व्यवस्था किए देते हैं और किसी जानकार आदमी को भेज देंगे हमारे गाँव, ताकि किसान भाई सब समझ लें कि उन बीजों की बुवाई कैसे करेंगे, उनसे फसल कैसे तैयार की जाएगी। इस तरह से अलग अलग लोग चर्चा करते हैं और उन चर्चा के साथ एक नियम बना, एक निर्णय लिया जाता है कि भाई खास खास मुद्दे कौन से हैं जिन पर पहले प्रस्ताव भेजा जाए, और भेजा जाता है सरकार को और वो फिर वहां से पैसा देते हैं। एक बात तुमने नहीं पूछी कि बाबा प्रधान है, सरपंच है, तो मुखिया क्यों कहते हैं इनको? बाबा, प्रधान सरपंच है तो मुखिया क्यों कहते हैं? अरे भाई, ये बात तो तुम अपनी अम्मा से क्यों नहीं पूछते हो? देखो बेटा, जैसे पूरे देश के शासन के लिए प्रधानमंत्री होता है, तुम्हारे राज्य का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री घर का भी तो मुखिया है, कौन है? बाबा। वैसे ही जैसे तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर, जब मैं आई तो तुम क्या बात कर रहे थे, कक्षा में क्या चुनते हो? मॉनिटर। वैसे ही हर जगह का एक मुखिया होता है। अब समझ में आई बात? सब अच्छी तरह समझ गए? हाँ।